बैक टू माई चैनल डू समथिंग न्यू नया नाजन आई। तो आज हम कर रहे हैं पेंटिंग का लेसन 4, हिंदुस्तान का लो कार्ड। सो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए तमाम जो हैं आपको कमेंट करने पड़ेंगे ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिले। आपने जो भी किसी चीज़ का भी आपने बताया कि वीडियो में आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो कर रहे हैं हम पेंटिंग की बुक है हमारी 225 कोड। तो मुतइन पर मुबनी सवाल और इख्तितामी सवाल दोनों करेंगे हम। सो 4.1 मतइन पर मुबनी सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले सारे क्वेश्चन पढ़ूंगी उसके बाद सारे आंसर दूंगी। हिंदुस्तान के कुछ फर्शी आरइशी आर्ट के बारे में बताएं। कॉलम फर्शी आरइश में कौन से डिज़ाइनों और तस्वीरात का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलम फर्श आरइशी मसवरी के तरीके कार के बारे में लिखिए। कॉलम मसूरी फर्शी आरइश में किन अशिया की तस्वीरकशी की जाती है। सो ये चार क्वेश्चन थे, चार आंसर बता देती हूँ, फिर उसके बाद 4.2 करेंगे। सो ये देखिए 4.1 का पहला आंसर है अल्पना रंगोली कोलम। सेकंड है हेंसी और फूलों की शक्ल में। 3 है ज़मीन कोनम करने के लिए। 4 है चावल का आटा और दूसरे रंगों को चुटकी में पकड़ कर और मसल कर ज़मीन पर लगाया जाता था। 5 घड़े चिराग और नारियल की दरख्त। इसमें इन्होंने 4 की जगह 5 कर दिए, दूसरा और तीसरा जो है वो एक ही है। 4.2 है फलकारी के क्या मायने हैं। फलकारी के लिए कौन सा मवाद इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह के कामों में कौन कौन से रंगे गालिब होते थे। फलकारी के नमूनों को किस तरह हासिल किया जाता था। 4.2 पहला है फूलों का नाम फलकारी वाला जो था क्या है, तो फूलों का काम है। सेकेंड है कपड़ा कचौर रेशम। 3rd है सुनहरा। 4th है अमूदी और अफकी टांकों का तालमेल। 4.3 है हमारा पहला कांथा, ये कांथा वाला ज़रूर आता है। कांथा के डिज़ाइनों और मरकज़ी ख्याल के माखोज का नाम बताएं। इन मसरूफ़ कार अशकाल के बारे में बताएं जो कांथा की तस्वीर का मरकज़ी ख्याल है। कांथा सारी की 2 लाइनों की वजाहत कीजिए। कांथा डिज़ाइन पर लो कार्ड की कौन सी शक्ल का असर नज़र आता है। 4.3 का आंसर लगा लीजिए देही मनाजिर, मजहबी रसूमात, मंडाला, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अशिया, देही त्यौहार और मेले, सर्कस और तारीखी शख्सियात। 2nd है रज़ाइयाँ, शादी की चटाइयाँ, आयना और जेवरात के बक्सों के कोर वगैरह। 3rd सफ़ेद हरे उदे सुर्ख कत्थई पीले सुरमई और काले दागों के साथ जंजीरा सिलाई में घोड़े बादशाहों परिंदों और शहद की मक्खियों की तस्वीर कालीघाट पच्चर। सो अब कर रहे हैं हम इख्तितामी सवाल, इसके 4 सवाल हैं। लोक आर्ट क्या है, ज़रूर आता है और एक कॉलम वाला आता है। लोक आर्ट क्या है, ये किस तरह देही समाज के लिए मददगार है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगा लीजिए। देखें आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, मैं फोकस कर रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये जो भी आपको पॉज करके लिखना है ये मैं एक साथ दिखा रही हूँ, आप स्टार्टिंग से लिखना शुरू कीजिएगा। ये वीडियो को रिव्यू या प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2, लोक आर्ट के तर्ज पर फर्शी आरइश की किसी एक शक्ल के बारे में उसकी तैयारी के तरीके के साथ वजाहत कीजिए। ये देखें इस 2nd का आंसर है, ये काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। सो मैं आपको पहले थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ उसके बाद आप, तो पहले मैं ये एक जो पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो रहा है सीखती हैं तक दिखाऊंगी, उसके बाद 2nd दिखाऊंगी। ये देखें मैंने पूरा फोकस कर रखा है पूरे पेज पे, तो आप लिखना शुरू कीजिएगा। वीडियो को रिव्यू या प्रिव्यू करके या पॉज करके जो भी आपको लिखना है वैसे लिख लीजिएगा। ये देखें मैं दिखा रही हूँ एक साथ। उसके बाद एक बार और देख लीजिए। पहले बहुत ही बारीकी से काम किया जाता था, चावल का आटा पीस के उसका पाउडर बना के किस किस तरह से सब कुछ चीज़ें मूर्तियाँ या सब कुछ बनाया जाता था, सजाया जाता था। ये नीचे का देख लें पैराग्राफ। ये आरइशी थे मैं बता रही हूँ आपको, नकोश की अलामत।
पिक्चर दिखा देती। ये देखें, ये इस तरह की पिक्चर है फलकारी वाली। तीन लाइनें ये भी आप लिखेंगे उसी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांता सिलाई पर एक मुख्तसर नोट। ये वो कांता वाली पिक्चर है, ये देख लें। ये जो इसमें ये हुई हुई है ना, ये बारीक बारीक ये जो डॉट है, ये सिलाई हुई हुई है पूरी, ये तमाम ये सिलाइयाँ हैं। ये आप देख रहे होंगे, मैं एक बार फोकस करूँ। ये देखिए, ये जो है ना, ये स्टिच हुआ हुआ, ये सारा ये फूल पत्तियाँ, ये सब जैसे कि आजकल बहुत खूबसूरती से हमारे सूट्स पे भी आता है और तमाम ओढ़ने की चीज़ों पे भी आता है। तो ये कांति कशीदकारी है। आंसर लिखेंगे आप यहाँ नीचे वाली लाइन से, बंगाल में कशीदाकारी और रजाई की सजावटों फूलों की एक सरोत मंदिर रवायत रही है, जिसको कांत के नाम से जाना जाता है। कांता सिलाई के लिए पुरानी साड़ियों और धोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। मोटा और गुदाज बनाने के लिए इनको एक दूसरे के साथ सजाया जाता है। बंगाल में कांता का काम तकरीबन सभी तबकात की औरतें और ख़ास तौर से बुज़ुर्ग औरतें करती हैं, जो अपने खाकी और खाली औकात यानी कि खाली वक्त को कांता सीने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसके लिए वो पुरानी साड़ियों के पल्लुओं से रंगीन धागे हासिल करती हैं और इनको किनारे की तरफ से सीना शुरू करती हैं और सतह मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन से भर जाती हैं। रजाइयाँ, शादियों की दरियाँ, शीशे और जेवरात के डिब्बों के कोर इसी तरह की कांता की सिलाई के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलकारी तर्ज के बारे में एक नोट। सो ये देखिए, फलकारी वाला है, ये मैं आपको एक साथ दिखा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये आप ऊपर से लिखेंगे, फलकारी का असल मतलब है फूलों के नकोर से सजाना। तो यहाँ तक लिखेंगे आप, जाती है तक, ये मैं एक साथ दिखा रही हूँ, सारे लिखिएगा। वीडियो को पॉज, डाउनलोड, स्क्रीनशॉट या रिव्यू प्रीव्यू करके आप जैसे भी लिख सकते हैं, लिखिएगा। जिनके पास बुक है वो निशान लगा लीजिएगा पेज नंबर 37 पे। सो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये लेसन कंप्लीट हो गया है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।